हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकंड टर्मिनल एग्जाम क्लास नाइन्थ का हिंदी। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आपका कैसा पेपर है। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने तीन चार वैरायटी का पेपर बनाया हुआ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, लाल पान की बेगम किस कोटि की कहानी है। दोस्तों, ये क्लास नाइन्थ के हिंदी का ये है। ठीक है, आपको 100% गारंटी के साथ दोस्तों सही आंसर दिया जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम पहले से ही टिक कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग को सिर्फ देखना है। ठीक है, जल्दी जल्दी मिलाइए और जाकर छापिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लाल पान की बेगम की कोटि की कहानी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर पहला होगा आंचलिक। चलिए आगे देखेंगे, दो नंबर का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अद्भुत आनंद। ठीक है, तीन नंबर देखिए, फड़ीसवाल रेणु का जन्म किस जिला में हुआ था, तो दोस्तों अररिया जिला में। चलिए, चार नंबर है दोस्तों, बिरजू महाराज की शक्ति ख्याति किस रूप में है, तो दोस्तों नर्तक। ठीक है, चलिए पांच नंबर देखेंगे, पांच का आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, लखनऊ। चलिए सिक्स नंबर देखेंगे दोस्तों, सिक्स नंबर है हमारे पास, मुंशी जी के पास उनके भाई की आखिरी निशानी क्या बची थी, तो दोस्तों आपका ये घोड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सात नंबर देखिए, सात का आपका पहला ऑप्शन सही होगा, यानी कि कहानी। आठ नंबर देखिए, टोलस्टॉय के घर के एक चारों तरफ क्या था, तो दोस्तों बाग बगीचा था। चलिए नाइन नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बाबू राव पेंटर कौन थे, तो दोस्तों फिल्मी हस्ती थे। क्या थे, फिल्मी हस्ती। चलिए आगे देखेंगे, दस नंबर है हमारे पास, अष्टावक्र गाथ की कौन सी विधा है, तो दोस्तों कहानी है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, पटना मंडली की स्थापना कब हुई, आपका 1876 ईस्वी। चलिए बारह नंबर है, जगदम्बा देवी की राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार कब मिला, तो दोस्तों आपका राइट आंसर 1970 ईस्वी। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, तेरह नंबर क्वेश्चन है, मनोज वाजपेयी का संबंध किस राज्य से है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखिए दोस्तों, चौदह नंबर है, चौदह का राइट आंसर पूर्ण जन्म हो जाएगा, पंद्रह देखिए, पंद्रह का चित्रकला होगा, सोलह देखिए, सोलह का आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उल्लास और उमंग। चलिए दोस्तों देखेंगे सत्रह नंबर क्वेश्चन, देखिए सत्रह नंबर है हमारे पास, ठीक है, इसका राइट आंसर गरीबी में होगा। अठारह देखिए, कला गीत की आरंभ क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्राम गीत। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, उन्नीस नंबर क्वेश्चन, उन्नीस नंबर हमारे पास है, ठीक है, नालंदा किस प्रदेश के अवस्थित है, दोस्तों बिहार के। चलिए आगे देखेंगे, बीस नंबर, अष्टावक्र कहानी का लेखक, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर विष्णु प्रभाकर। चलिए इक्कीस नंबर देखेंगे, इक्कीस का डाउट है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, टिक जो नहीं किया हुआ है दोस्तों, मान लीजिए कि उसका डाउट के अंदर है, आप गलती नहीं बता सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखेंगे हम बाईस नंबर क्वेश्चन, बाईस है, बाईस का आपका 1518 होगा। चलिए तेईस नंबर का राइट आंसर मंझल, और चौबीस का आपका राइट आंसर 1865 ईस्वी। पच्चीस देखिए, पच्चीस का आपका हरिहौद हो जाएगा, छब्बीस का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फरुखाबाद। चलिए आगे देखेंगे, सत्ताईस नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्ताईस नंबर का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छायावाद युग, और अट्ठाईस का राइट आंसर इलाहाबाद, उनतीस का राइट आंसर होगा छायावाद, तीस का होगा दोस्तों केदारनाथ, इकतीस का आपका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, और बत्तीस का महादेवी वर्मा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों हमारे पास चौंतीस तैंतीस नंबर क्वेश्चन, वाल्मीकि सही होगा, पैंतीस देखिए मीरा सही होगा, और छत्तीस पैंतीस का आपका राइट आंसर, पैंतीस का आपका ऑप्शन नंबर है मधुबाला हो जाएगा, और छत्तीस का अ प्लस ई यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखेंगे, और सैंतीस देखिए, सैंतीस का तत्पुरुष समास होगा, अड़तीस का आपका लघु हो जाएगा, उनचालीस का आपका राइट आंसर होगा फटाछेप, और चालीस का हो जाएगा घोड़ा। क्या होगा दोस्तों, चालीस का घोड़ा। अभी तक आप लोग ये वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। चलिए दोस्तों देखेंगे इकतालीस नंबर क्वेश्चन, इकतालीस देखिए, इकतालीस का आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, बयालीस का हरा देना, और तैंतालीस का कर्म होगा, चौवालीस का आपका करण हो जाएगा, पैंतालीस का आपका नायिका होगा। ठीक है, और छियालीस का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पो प्लस अन। चलिए दोस्तों देखेंगे सैंतालीस नंबर क्वेश्चन, देखिए सैंतालीस नंबर है हमारे पास, प्रकृति शब्द में कौन सा उपस्वर्ग है, तो प्र है। ठीक है, अड़तालीस का अक हो जाएगा, उनचास का आपका हो जाएगा दोस्तों मेघ यानी ए, पचास का आपका सी होगा यानी विशेषण, और इक्यावन का आपका बी होगा भक्त मंडुलिक, मंडुलिक चलिए पुंडलिक, पुंडलिक लिखा हुआ। ठीक है, इक्यावन, इक्यावन का देख लीजिए दोस्तों, इक्यावन का हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, भक्त पंडुलिक। चलिए बावन नंबर, टोलस्टॉय सरकार दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फड़ीसवनाथ रेणु का जन्म दोस्तों किस जिले में हुआ था, तो यानी कि अररिया में। चलिए चौवन देख लीजिए, चौवन का दो हो जाएगा, पचपन का राइट आंसर सहनाई, और छप्पन का राइट आंसर सैंतीस वर्ष। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, संतावन नंबर क्वेश्चन, ठीक है, संतावन का आपका राइट आंसर होगा हरिओद। क्या होगा दोस्तों, संतावन का हरिओद। अंठावन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1545। उनसठ का
आश्रय का विशेषण क्या है तो दोस्तों आश्रित हो जाएगा, और 60 का आपका राइट आंसर कुछ होगा, क्या होगा दोस्तों कुछ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और जाइए एग्जाम में इसको लिख दीजिए दोस्तों, 100% आने की गारंटी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को इस तरह का पेपर नहीं आता है तो दोस्तों हम भी दूसरा अभी लेकर आ रहे हैं, आप लोग अंत तक ये वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।